एग्जाम्पल नंबर 1.24 स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल तीन पार्ट में दिया है, तीनों ही पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो ये एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, तो दो प्लेट दी है और दोनों ही प्लेट के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ऑपोजिट दोनों के पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोलारिटी के। उसका मतलब एक पर चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरे पर चार्ज नेगेटिव होगा, तब ही चार्ज डेंसिटी ऑपोजिट होती है। तो देखो यहां पर कि ये प्लेट है, दो प्लेट है और यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट पर, और ये प्लेट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज कि जो चार्ज डेंसिटी है दोनों की वो सेम है, यहाँ पर लिखा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितना है, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू है 17 × 10⁻², कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा, और हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ढूंढना है यहाँ पर प्लेट का नाम भी दे देते हैं, देखो ये प्लेट नंबर वन ये प्लेट नंबर टू। तो प्लेट प्लेट ए के जो प्लेट जो नंबर वन है उसकी आउटर रीजन रीजन, तो प्लेट वन है उसका आउटर रीजन यहां पर है, प्लेट टू का आउटर रीजन यहां पर है, और बिटवीन द प्लेट मीन ये दोनों के प्लेट के बीच में पॉइंट यहां पर होगा। तो ये तीनों ही पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो हम देख लेंगे ए का रिजल्ट, देखो कहा किस कहा का फील्ड ढूंढना है, तो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन कहां पर होगा, तो यहाँ पर प्लस फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन यहाँ पर है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो बाहर की ओर होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉइंट पर फील्ड जो चार्ज है तो चार्ज की ओर होगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, ये पॉइंट पर ये प्लेट की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, ये पॉइंट पर ये प्लेट की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये वन की वजह से, प्लेट वन की वजह से इसलिए ई वन, ये जो फील्ड बन रहा है टू की वजह से तो ई टू, इक्वल एंड ऑपोजिट है क्योंकि चार्जेस दोनों पर इक्वल है इसीलिए ई वन माइनस ई टू, तो दोनों का फील्ड इक्वल है इसीलिए रिजल्टेंट जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। तो प्लेट वन का आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट प्लेट का। अब हम देखेंगे सेकंड प्लेट का जो आउटर रीजन है वहां पर फील्ड कितना होगा। तो देखो सेकंड प्लेट ये रहे, तो सेकंड प्लेट की वजह से यहाँ पर फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है फील्ड इनवर्ड होता है, तो यहाँ पर E2, ये पॉइंट पर ये प्लेट की वजह से फील्ड कितना होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए फील्ड ऐसा होगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में ये प्लेट का फील्ड होगा इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा E1। देखो दोनों प्लेट पर क्या है, दोनों प्लेट पर चार्ज सेम है और प्लेट है वो एक दूसरे को बहुत ही नजदीक है, क्लोज है, इसीलिए डिस्टेंस भी सेम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है इसीलिए E2 माइनस E1 मैं करूंगा, तो आंसर क्या मिलेगा जीरो। क्यों? क्योंकि ये फील्ड जितना है इतना ही फील्ड ये है, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा जीरो मिलेगा, क्योंकि फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए। तो यहां पर भी प्लेट टू के आउटर रीजन में भी फील्ड कितना है, जीरो। अब देखो बिटवीन फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट कितना होगा, तो देखो ये है वो नेगेटिव चार्ज है इसीलिए फील्ड नेगेटिव चार्ज की ओर होगा इनवर्ट, तो ये डायरेक्शन में होगा प्लेट टू की वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट है तो वो पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये पॉइंट पर फील्ड वही डायरेक्शन में होगा, आउटर डायरेक्शन में होता है ना, ये प्लेट से दूर होगा मीन्स बाहर की ओर होगा, ये प्लेट का फील्ड ये पॉइंट पर प्लेट से बाहर की ओर होगा, तो ये रहा, तो ये फील्ड हुआ इवन, इक्वल है एंड
दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड E1 प्लस E2, ये टोटल फील्ड मुझे मिलेगा। एक प्लेट की वजह से जो फील्ड बनता है वो कितना होता है, तो वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट पर सेम चार्ज वो सब है, चार्ज डेंसिटी वो सब है, इसीलिए फील्ड भी सेम है। इसीलिए एक प्लेट का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये प्लेट की वजह से ये पॉइंट पर जो फील्ड होगा सेम होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ का, तो E इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 17 इंटू 10^-22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10^-12। तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये डिवाइड करोगे तो 1.92 समथिंग इंटू 10^2, ये ऊपर जाएगा तो 10^-10 बचेगा वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ दो प्लेट के बीच का। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन यूज किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, तो ये है प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, वहां पर इतना मुझे एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है। तो एक प्लेट का इतना हुआ, सेम टू सेम वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट का होगा, इसलिए दोनों का एड किया और मैंने ये रिजल्ट निकाला।